अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक जॉब पोर्टल। माय नेम इज़ रेहान अली सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी की मालूमात लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है सिंध गवर्नमेंट की कंट्रोल हेल्थ एक इख्तियारी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर जगहें खाली हैं, उसके लिए दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। जान लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी अप्लाई करने का तरीक़ेकार किया है। नंबर वन पे वैकेंसी जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट 14 स्केल की है, वैकेंसी की तादाद 2 है, इसके लिए तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नंबर दो पे सीनियर क्लर्क 14 स्केल की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 14 है, वैकेंसी की तादाद है कि ग्रेजुएशन तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। नंबर तीन पर डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 13 है, वैकेंसी की तादाद है कि बीकॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का की तालीम लाजमी होनी चाहिए। नंबर चार पर ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 13 है, वैकेंसी की तादाद 6 है, बी ई सिविल सेकेंड डिवीज़न में या डी ए ई होना चाहिए इसके अंदर। नंबर पाँच पे ओरिसियर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 11 है, वैकेंसी की तादाद 2 है, बी सिविल सेकंड क्लास में होना चाहिए। नंबर छः पे सब इंजीनियर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 15 है, वैकेंसी की तादाद 1 है, बी ई सिविल सेकंड डिवीज़न में होना चाहिए। नंबर सात पे सब इंजीनियर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 11 है, वैकेंसी की तादाद 5 है, बी ई सिविल सेकंड क्लास सिटी रीजनल प्लानिंग या डी ए ई सिविल सेकंड क्लास में होना चाहिए। नंबर आठ पे सर्वेयर की वैकेंसी, वैकेंसी का स्केल 11 है, वैकेंसी की तादाद 2 है, डी ए ई सिविल डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास या सिविल सेकंड क्लास में 3 साल का तजुर्बा हो। नंबर नौ पे जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 11 है, वैकेंसी की तादाद 4 है, इंटरमीडिएट तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो। 10 पे इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 11 है, वैकेंसी की तादाद है कि बी ई सिविल सेकेंड क्लास डी ए ई सिविल सेकेंड क्लास में होना चाहिए। नंबर 11 पे असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 10 है, वैकेंसी की तादाद 4 है, डी ए ई सिविल सेकेंड क्लास में होना चाहिए, 1 साल का तजुर्बा हो। नंबर 12 पे मॉडलर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 6 है, वैकेंसी की तादाद 1 है, तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट के साथ रेवेलेंट फील्ड में 3 साल का तजुर्बा हो। नंबर 13 पे रिकॉर्ड कीपर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 5 है, वैकेंसी की तादाद 1 है, इंटरमीडिएट तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और रिकॉर्ड कीपिंग का 1 साल तजुर्बा होना चाहिए। नंबर 14 पे टाइपिस्ट की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 5 है, वैकेंसी की तादाद 1 है, इंटरमीडिएट तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और शॉर्ट कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नंबर 15 पे ट्रेसर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 5 है, वैकेंसी की तादाद 4 है, डी ए ई सिविल के अंदर होना चाहिए आपके पास। नंबर 16 पे लैंड इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 5 है, वैकेंसी की तादाद 2 है, इसके लिए तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, डी ए ई सिविल के अंदर। नंबर 17 पे दरोगा की वैकेंसी है, वैकेंसी का स्केल 5 है, वैकेंसी की तादाद 2 है, तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और साथ ही इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी की शुरुआती जाँच यानी कि मालूमात होनी चाहिए। 18 पे आखिरी वैकेंसी ड्राइवर की है, वैकेंसी का स्केल 5 है, वैकेंसी की तादाद है कि मिडिल पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी हो। अप्लाई करने के लिए आपके पास सूबाए सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है और ये वैकेंसीज जो हैं ये हैं हैदराबाद की, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने एक प्लान एप्लीकेशन लेनी है, उसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना है, अटेस्ट करवाने के बाद उसमें इनवेलप में बंद करने के बाद आपने भेज देना है PO बॉक्स नंबर 5 जनरल पोस्ट ऑफिस GPO हैदराबाद, यहाँ पर आपने भेज देना है इस एड्रेस पे। इस वैकेंसी में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 13 मार्च 2023। अगर जो भी गवर्नमेंट मुलाजिम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वो NOC लेकर अप्लाई करेंगे, 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर ये आपको अपॉइंटमेंट करेंगे। बाद में हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाए जैसे प्रोजेक्ट इनका बढ़ेगा। शॉर्ट लिस्ट करके टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्र की हद में सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक रियायत है, यानी कि 18 से 43 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट में आने वाले को TADA नहीं दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें, चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।